अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं शावी शाह चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर डार्क वेब सीरीज़ शुरू हो चुकी है, जिसमें हम पार्ट वन तो कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे डार्क रेड रूम्स के बारे में। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पहले मैं आपको डार्क वेब के बारे में दे दूँ कि यहाँ पर इलीगल ड्रग्स, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ह्यूमन ऑर्गन्स को सेल किया जाता है। यहाँ पर बहुत सारी बुरी चीज़ें की जाती हैं। यहाँ पे हिटमैन हायर करके लोगों को कत्ल करवाया जाता है और यहाँ पे बहुत सारे बुरे काम होते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। तो पहली कैटेगरी हमने जो डिस्कस की थी वो सोशल नेटवर्किंग के बारे में थी। आज हम डार्क वेब पे जो रेड रूम्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और आपका बताऊँगा कि वहाँ पर क्या होता है। वीडियो शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें, क्योंकि ये एक बहुत लंबी सीरीज़ है और एक एजुकेशनल पर्पस के लिए ये मैं बना रहा हूँ, तो आप इसको पूरा ज़रूर देखिएगा। तो नाज़रीन, रेड रूम्स हैं क्या असल में? ये लाल कलर का कमरा नहीं होता, ये रेड रूम्स असल में एक रूम होता है जहाँ जो आपको आम इंटरनेट पे नहीं मिलता, ये सिर्फ आपको डार्क वेब पे मिलेगा जो आप टॉर ब्राउज़र के ज़रिए जाकर देख सकते हैं। मेरी एडवाइस तो ये है कि आप ना देखिएगा, लेकिन अगर आप एजुकेशनल पर्पस के लिए वहाँ पर जाना चाहते हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। रेड रूम असल में हैं क्या? यहाँ पे लोगों को टॉर्चर किया जाता है, यहाँ पे बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप जो होते हैं वो पैसा कमाने के लिए यहाँ से अर्निंग करते हैं। वो अब अर्निंग करते कैसे हैं? वो लोगों को किडनैप करते हैं, छोटे बच्चों को किडनैप करते हैं, लोगों को किडनैप करके उनको एक रूम में ले जाते हैं। अब रेड रूम्स का एक एडमिन होता है, अगर वहाँ पर कोई जाके वो वीडियोज़ वो टॉर्चर देखना चाहता है तो वो उस एडमिन को रिक्वेस्ट करता है और वहाँ पे जो भी उन्होंने फ़ीस रखी होती है, $100, $1,000 जितनी भी रखी होती है, उसको पे करने के बाद उस आदमी को वहाँ पे इंटर कर लिया जाता है। अब वहाँ पे होता क्या है कि जो भी इंसान जिसको टॉर्चर किया जाता है, लोग उसको टॉर्चर करने के लिए पैसे देते हैं। कोई वहाँ पे कहता है कि मैं $100 आपको दे रहा हूँ, इसका हाथ काट दें। कोई कहता है कि मैं आपको $1,000 दे रहा हूँ, इसका पाँव काट दें, इसकी टांग काट दें। वहाँ पे इस तरह टॉर्चर किया जाता है लोगों को। टॉर्चर वहाँ पे लोगों की बोली लगाई जाती है कि मैं आपको $1,000 या मैं आपको $50,000 देता हूँ, उसका गला काट दें। यानी कि बहुत ज़्यादा अजियत दी जाती है इन वेबसाइट्स पर। और वहाँ पर सारी पेमेंट जो होती है वो बिटकॉइंस के ज़रिए होती है, जो एक डिजिटल करेंसी है जिसको शैतानी करेंसी भी कहा जाता है। आपको अगर यहाँ पर विज़िट करना तो नहीं वैसे चाहिए, अगर आप यहाँ पर विज़िट करना चाहते हैं कोई एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, तो बड़ी एहतियात के साथ टॉर ब्राउज़र यूज़ करते हुए, अपनी आइडेंटिटी को अनोनमस रखते हुए आप यहाँ पर जाइए और यहाँ पर सर्च कीजिए अगर आपको देखना ही है। तो बात यहाँ पर ये आती है कि सरकार इसको बंद क्यों नहीं कर पाती या रोक क्यों नहीं पाती। तो उसकी वजह यह है कि जब आप यहाँ पे जो भी लोग जाते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को अनोनमस रखते हैं, कोई भी नहीं जानता होता कि वो ये वेब को कहाँ से सर्च कर रहे हैं, क्योंकि टॉर ब्राउज़र एक ऐसा ब्राउज़र है जिसको आप यहाँ पे सर्च कर रहे हैं तो वो बताएगा कि आप इस वेब को कनाडा में सर्च कर रहे हैं या अमेरिका में सर्च कर रहे हैं। वो आपको लोकेशन को लोकेट होने नहीं देता, जिससे सरकार को बहुत ही कम पता चलता है। एक वीडियो बहुत ही वायरल हुई थी वेब सीरीज़ पे, जो आम लोगों के पास भी आ गई थी। उसमें एक छोटे बच्चे के साथ टॉर्चर किया जा रहा था रेड रूम में। वहाँ FIA वालों ने वहाँ पर उसको लोकेट करके उस वेब सीरीज़ को बंद तो कर दिया था, लेकिन उस टॉर्चर की वीडियो ने लोगों को बहुत दुख दिया। तो जिसको भी यहाँ पे देखना है वो रेड रूम, वो एडमिन को रिक्वेस्ट करता है, एडमिन ने वहाँ पर फीस रखी है, वो वहाँ पर इंटर हो जाते हैं और वहाँ पर टॉर्चर दिखाया जाता है। और ये बहुत ही एक बुरी चीज़ होती है। मेरी तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि इस साइट को बिल्कुल विज़िट नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं। सारी बुरी बुरी चीज़ें डार्क वेब पर होती हैं और बहुत ही बुरे बुरे काम होते हैं यहाँ पर। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप इसको किसी और चीज़ के लिए देखना है तो प्लीज़, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और मैं आपको सिर्फ एजुकेट करना चाहता हूँ, ताकि कल को अगर आपको कोई पूछे कि डार्क वेब है क्या, तो आपको उसके बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए कि आखिर वहाँ पे क्या होता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।